हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत सहायकों का धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। चार सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सहायकों का धरना शनिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा नियमितकरण एक विभाग करने तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय देने की मांग को लेकर धरना जारी है। संघ के पूर्व अध्यक्ष पेमा राम सारण ने बताया कि सरकार आने चुनावी घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार वादों को भूलकर ग्राम पंचायत सहायकों का शोषण कर रही है। सारण ने कहा कि अगर समय रहते सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो चुनावों में परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जिला संयोजक मानाराम जाखड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों की जायज मांगों पर जल्द विचार नहीं हो पाया तो ग्राम पंचायत सहायक यूआईटी अध्यक्षा प्रियंका चौधरी और बाड़मेर जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम के घर के आगे धरना देंगे। उन्होंने बताया कि धरने को लेकर काफी संगठन आगे आकर समर्थन दे रहे हैं, जिसमें बहुजन संघर्ष दल के भंवर लाल अम्बेडकर ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं बाड़मेर विधायक मेवा राम जैन ने धरना स्थल पर पहुंचकर पंचायत सहायकों की सुध ली। जैन ने कहा कि ये सरकार निकम्मी है जो कि ये वादा खरी नहीं उतरती। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर आपको नियमित किया जाएगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।